केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर विवाद हो गया है। बिट्टू ने राहुल गांधी को नंबर वन आतंकी कह दिया। बिट्टू ने राहुल गांधी को इस देश के नेता प्रतिपक्ष को देश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। देखो राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बताया है, उनके दोस्त वहां पे हैं, उनकी फैमिली वहां पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है, क्योंकि बाहर जाके हर चीज उल्टा पुल्टा बोलना, आप ये देख लीजिए जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर वन टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसी को, वो आज राहुल गांधी है। और वहीं रवनीत सिंह बिट्टू के इस बयान पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का बयान, बिट्टू को मानसिक इलाज की जरूरत है। कि बिट्टू जेड़ा अपना मेंटल बैलेंस लूज कर चुका है। मैं रवनीत बिट्टू नु ये कहना चाहवांगा, बिट्टू जी टाइम आया तुसी किसे चंगे डॉक्टर दे कोल जाके अपना इलाज करो। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नु अपील करूंगा कि जल्दी तो जल्दी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, अक्कू श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, प्रमोद स्वामी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और दीपक झा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद स्वामी जी, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ये क्या कह रहे हैं, ये कैसी भाषा है? इतने विवादित बयान के बाद आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? वो तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को नंबर वन आतंकी करार दे रहे हैं, क्या इससे सहमत हैं आप और आपकी पार्टी? देखिए वो क्यों कह रहे हैं जरा इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अभी हाल ही में जो अमेरिका के दौरे पे राहुल जी ने कहा है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है और सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है, कड़ा पहनने की इजाजत नहीं है, गुरुद्वारा में जाने की इजाजत नहीं है, तो इस तरह की बयानबाजी से विपक्ष के नेता को बचना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत है समीर जी? क्या भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है, कड़ा पहनने की इजाजत नहीं है? जो बात आप कह रहे हैं और जो बात रवनीत सिंह बिट्टू ने कही उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप कह रहे हैं कि ऐसे बयान से राहुल गांधी को बचना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू उन्हें देश का सबसे बड़ा आतंकी करार दे रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए, तब आप प्रश्न करेंगे तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाऊंगा। बोलिए। पहली बात तो उन्होंने जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही वो गलत कही। इसके पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में जो लोकतंत्र है वो खत्म हो रहा है और अमेरिका और यूरोप के देशों को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके पहले एक बार मणिशंकर अय्यर ने कहा था पाकिस्तान में जाकर के कि पाकिस्तान को हमारी मदद करनी चाहिए मोदी जी को हटाने के लिए। ये पृष्ठभूमि है। अब मैं आता हूँ बिट्टू जी के बयान के ऊपर में। आपको पता है कि पंजाब कितनी सेंसिटिव जगह है, वहां आतंकवाद पनपा था और इंदिरा जी ने एक समय में भिंडरवाला को खड़ा किया था। उसकी परिणति क्या हुई कि वहां ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और उसके बाद में इंदिरा जी की हत्या हुई और उसके बाद में सिख दंगे हुए। तो ऐसी वहां अब बड़ी मुश्किल से पंजाब में आतंकवाद खत्म हुआ है और वहां अब लोग सुख शांति से रह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के ऐसे बयानों का फायदा जो है वो लोग उठाएंगे जो भारत विरोधी है, जो खालिस्तान की मांग करते हैं, जो आतंकवादी गतियों में संलिप्त है, वो लोग राहुल गांधी के ऐसे बयानों का लाभ उठाएंगे कि देखिए वहां तो सिखों को गुरुद्वारा में जाने की आजादी नहीं है, कड़ा पहनने की आजादी नहीं है। मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं ना, आपकी पार्टी रवनीत सिंह बिट्टू के बयान के साथ खड़ी है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो सही कहा। ठीक है, बिट्टू के बयान के साथ हमारी पार्टी खड़ी हुई है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी अगर इस तरह के नहीं, लेकिन देखिए प्रमोद स्वामी जी, आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि जो कुछ रवनीत सिंह बिट्टू ने बोला वो गलत बोला, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी ने तो कहा?
चलिए ठीक है, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं कांग्रेस का। चलिए ठीक है प्रमोद स्वामी जी, ठीक है ये आपके विचार हैं। दीपक झा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। दीपक झा जी, रवनीत सिंह बिट्टू जो केंद्रीय मंत्री हैं, अभी कुछ वक्त पहले तक तो कांग्रेस में थे, लेकिन अब उन्हें राहुल गांधी देश के नंबर वन आतंकी नजर आते हैं, उन्हें ये लगता है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है। देखिए, अगर सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति ने कहा होता, कोई आरोप लगाया होता, तो आप उसकी बातों को नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन बात ये हो जाती है जब भारत की संसद में बैठा हुआ व्यक्ति, एक भारत सरकार का मंत्री, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर देश के विपक्ष के नेता को आतंकवादी कहता है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि या कि भाजपा मूर्खों की टोली है, जिनको नॉलेज नहीं है, अनपढ़ों की फौज हो गई है, जो कि सारे के सारे नालायक निकम्मों की टोली है। भाजपा के प्रवक्ता चैनल पे बैठ के यहाँ पे नहीं कह रहे कि बिट्टू का बयान गलत है। मैं नरेंद्र मोदी जी को अगर आतंकवादी कहूंगा तो कैसा होगा, क्या मैसेज जाएगा इस देश में, क्या होगा इस बात का मतलब, आप समझते हैं? लोकसभा का नेता होता है, विपक्ष का जो नेता होता है, वो अपोजिशन का जो के बाद दूसरा व्यक्ति वहां पे होता है अपोजिशन की तरफ से, तो आप उसको आतंकवादी कह रहे हैं। ये भाजपा की वो कायरता वाली सोच है, वो मानसिकता दर्शाती कि इस देश में जो विपक्ष के नेता हैं उनको खालिस्तानी कहिए, उनको पाकिस्तानी नहीं। देखिए दीपक जी रवनीत सिंह बिट्टू ने ऐसा बयान क्यों दिया, इसके पीछे यह आधार बताया गया, वो ये बोल रहे हैं कि पहले मुसलमानों को बांटने की कोशिश की गई और अब सिखों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर उनकी तरफ से बयान दिया गया अमेरिका में। सुनिए, बिट्टू पागल हो गया है, बिट्टू पागल, थोड़ा आप भी संयमित होकर बोलिए ना। देखिए दीपक जी, थोड़ा आप भी संयमित होकर, तार्किक होकर अपनी बात रखिए तो अच्छा लगेगा। तार्किक मैं वही कहना, पागल मानसिकता बिट्टू, मैं बोलता हूँ बिट्टू की जो मानसिक स्थिति है वो विक्षिप्त स्थिति हो गई है। तो बिट्टू खालिस्तान, किसानों को भी खालिस्तानी बोलते थे, किसानों को भी आतंकवादी बोलते थे। भाजपा वही पार्टी है, 700 किसानों ने शहीद हो गए, जान दे दिया, उनको खालिस्तानी बोलते थे, सड़क पे बैठे थे, कहते थे कि पाकिस्तान और अमेरिका और कनाडा से इनको पास पैसे आते। तो नरेंद्र मोदी सरकार कंफ्यूज सरकार है कि किसानों को खालिस्तानी बताया, किसानों को आतंकवादी बताया, फिर उन्हें किसानों के बिल के सामने झुक जाती है और बिल वापस ले लेती है। संसद के अंदर लोकसभा के विपक्ष के नेता को ये पाकिस्तानी और आतंकवादी बताते। दीपक झा, किसान आंदोलन पर आप पहुंच गए, लेकिन राहुल गांधी ने सिखों को लेकर जो बयान दिया था वो मसला कुल मिलाकर तूल पकड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। वो बयान क्या था ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन राजेश जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, सुनिएगा दीपक, सुनिएगा राजेश जोशी जी किस तरह से आप इन बयानात को देखते हैं, क्योंकि इससे पहले जब सिखों को लेकर अमेरिका में राहुल गांधी बयान देते हैं तो बाकायदा बीजेपी की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया जाता है और उसमें बीजेपी के एक अच्छे खासे खत के नेता ये याद दिलाते हुए भी नजर आते हैं कि भाई जो तुम्हारी दादी का हाल हुआ था वही कर दिया जाएगा, यानी एक तरह से हत्या की सीधे सीधी धमकी भी दी जाती है। और उसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी को आतंकी बताते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू एक बहुत जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के सदस्य हैं और कैबिनेट के किसी भी सदस्य को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बिट्टू ने जो कुछ कहा है उसके बाद नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को, रेल राज्य मंत्री, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आदेश देना चाहिए कि वो यूएपीए का केस दर्ज करें और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के यूएपीए में उनको गिरफ्तार करें, क्योंकि वो आतंकवादी नंबर वन बताया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो दाऊद इब्राहिम वगैरह की कैटेगरी में उन्होंने डाल दिया है। अगर सरकार इसके बावजूद कुछ नहीं करती है कि उनका एक कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा है कि आतंकवादी नंबर वन है, इसका मतलब ये सरकार कमजोर है, ये सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। अब आप ये कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बिट्टू ने जो बयान दिया है वो सिर्फ विवाद खड़ा करने के लिए बयान दिया है, न उनके पास कोई सबूत है कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं। उनके पास तो क्या, जो आतंकवाद का खुला ऐलान करते हैं, धर्म संसद हरिद्वार से कहती है कि मुसलमानों का कत्लाआम कर दिया जाए, उनमें से किसी एक को भी आतंकवादी करार नहीं दिया गया। तो ये नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि उनके मंत्रियों के बयान का असर क्या होता है। ये हो इसलिए रहा है, मैं अपनी बात खत्म तीसरे पॉइंट पे करूं, ये हो इसलिए रहा है क्योंकि पदयात्रा के बाद राहुल गांधी की जो सितारा है वो बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ चुका है नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने इमेज बदली है जिससे भारतीय जनता पार्टी और उनके जो मुखालिफ लोग हैं वो बहुत घबराए हुए हैं। इसी वजह से वो कुछ भी बोलते हैं, मुंह खोलते हैं तो कोई उनको आतंकवादी कहता है, पहले पप्पू कहा कर, एक पप्पू जो है पप्पू से आतंकवादी बन गया, ये राजनीति चल रही है। ठीक है बिल्कुल राजेश जी। और देखिए
आप आएंगे आपके पास प्रमोद स्वामी जी, आप बोलना चाहते हैं, लेकिन इस बीच अंकुश श्रीवास्तव जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अंकुश श्रीवास्तव जी, आपको भी क्या लगता है क्या कि रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ से जो बयान दिया गया, जो मौजूदा ये जो चुनावी दौर है जम्मू कश्मीर और हरियाणा का और जो आगामी चुनाव आने वाले, इसके मद्देनजर ये बयान दिया गया या फिर वाकई में, क्योंकि कई बार के सांसद राहुल गांधी और अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनको लेकर अगर ऐसा बयान दिया गया है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो नंबर एक आतंकी है, तो भाई चुनाव आयोग का रुख करना चाहिए, कोर्ट का रुख करना चाहिए, ये बयानबाजी क्यों? देखिए, जहां तक रवनीत सिंह बिट्टू के बयान के का सवाल है, वो बहुत ही निंदात्मक बयान है और इसकी कोई भी किसी भी तरीके से आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, और कहीं से भी उसको आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी एक सांसद को, किसी पार्टी का जो सांसद है, विपक्ष का नेता है, उसको आप आतंकी इस तरीके से करार कर दें। लेकिन इन अभी तक की बातचीत में तीन जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं, इन सब में से किसी ने भी, कांग्रेस के भी साथी ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो सही है। राहुल गांधी के बयान पर सच है, राहुल गांधी के बयान पर कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं देना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने भी जो बयान दिया वो बहुत ही बेकार किस्म का, बहुत ही देश को तोड़ने वाला और एक जाति को बिल्कुल बिल्कुल देश से अलग थलग करने की कोशिश करने वाला और उसको उकसाने वाला बयान था। ये बयान, ऐसा बयान देकर, और राहुल ऐसे अक्सर बयान देते रहते हैं, कभी छोटे कभी बड़े, कभी वो अपने आप को कह देते हैं कि नहीं मैं दुर्भाग्य से एक संसद का सदस्य हूं, तो ये अपने आप को जो सुपर इंटेलिजेंट बताने की कोशिश उनकी कभी कभी साल छह महीने में दो तीन बार होती है, वो बहुत ही खतरनाक लेवल पर हो जाती है और वो फिर उनको लेकर के लोगों के मन में एक प्यार दुलार की जो भावना कभी कभी आगे बढ़ती है वो कमजोर हो जाती है। बिल्कुल, आप राहुल गांधी के सिखों पर दिए गए बयान का भी जिक्र कर रहे हैं अक्कू जी, और राहुल के इसी बयान को लेकर भड़के रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या कहा है, वो एक तरह से राहुल गांधी को ओपन चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं। किस सिख को गुरुद्वारे जाने से रोका गया भारत के अंदर, ये बताएं राहुल गांधी, एक सिख कह दे तो बीजेपी छोड़ दूंगा, राहुल गांधी की चिंगारी भड़काने की ये कोशिश है, ये कहा है रवनीत सिंह बिट्टू। इस बार तो सबसे बुरी बात जो सिखों को बांटने की कोशिश की है, जो कहा है यहाँ पे कितने सिख खड़े हैं, और मैं अभी गुरुद्वारा जा रहा हूँ, मैंने चैलेंज किया ओपन वे स्टेज पे बोल के खड़ा, भी कोई सिख यहाँ पे जो खड़ा है किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, कोई सिख यहाँ पे बोल पे भागलपुर में भी मुझे किसी ने बोला भी आप कड़ा नहीं डाल सकते, किसी ने कहा वो भी पगड़ी नहीं डाल सकते, किसने कहा वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते, एक सिख यहाँ पे खड़ा होके कह दे मैं बीजेपी अभी छोड़ दूँ, इतना मतलब चिंगारी लगाने के लिए पहले मुसलमानों की कोशिश की उनको यूज करने की, अब नहीं हुआ, अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख है भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की है। तो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बयान आपने सुना राहुल गांधी को लेकर जो उनकी तरफ से कहा गया, लेकिन राहुल गांधी ने इससे पहले सिखों को लेकर क्या बयान दिया था वो भी आपके लिए सुन लेना जरूरी है। फाइट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट इज सुपरफिशियल, द फाइट इज अबाउट वेदर ही एज अ सिख इज गोइंग टू बी अलाउड टू वेयर हिज टर्बन इन इंडिया, और ही एज अ सिख इज गोइंग टू बी अलाउड टू वेयर अ कड़ा इन इंडिया, और ही एज अ सिख इज गोइंग टू बी एबल टू गो टू गुरुद्वारा, दैट्स व्हाट द फाइट इज अबाउट, एंड नॉट जस्ट फॉर हिम। दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से, दीपक आप ही के पास आ रहा हूं, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है आपको, राहुल गांधी के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना आप मानते हैं क्या कि भारत में इस बात की लड़ाई है कि एक सिख को पगड़ी पहनने दी जाए या ना दी जाए, कड़ा पहनने दिया जाए या ना दिया जाए, गुरुद्वारे जाने दिया जाए या ना दिया जाए, जिस सिख पत्रकार से उन्होंने ये बातें कही जिसका नाम लेकर वो खुद कह रहा है कि राहुल गांधी का बयान सरासर गलत है। देखिए समीर भाई, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस वो पार्टी है, सिखों के सम्मान की बात करते हैं तो कांग्रेस पहली पार्टी इस देश की, और डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले प्रधानमंत्री जो सिख कम्युनिटी से आते हैं और उनके उनको देश का प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ, तो सिख समाज को आईना दिखाने बयान पर आइए, बयान पर भाजपा से नहीं करना है, मैं बयान पे आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ।
बात है कि आज कितने न्यूज़पेपर, कितने दुनिया भर के तमाम आर्टिकल्स छापे जा रहे हैं कि भारत में धार्मिक आजादी का हनन हो रहा है। धार्मिक आजादी का मतलब हो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, हर एक धर्म की आजादी का हनन हो रहा है। यहाँ पे सड़क चलते हुए गाय रक्षा के नाम पे फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा को मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है, किसने ठेका दिया इनको मारने का? भाजपा ने दिया गोली मारने का आदेश, नरेंद्र मोदी जी ने दिया? किसी को कौन होते हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी के गुंडे जो राह चलते लोगों को गोली मार देते हैं? और दूसरी बात, यहाँ अरे भाई एग्जाम्पल वो किस चीज का दे रहे हैं दीपक? एग्जाम्पल सवाल क्या पूछा है मैंने? वही का सिखों को धार्मिक आजादी इस देश में नहीं है क्या? मैंने वो पगड़ी नहीं पहन सकते, वो कड़ा नहीं पहन सकते, वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते, ये किस तरह की बातें? कोई एक एग्जाम्पल आपके सामने हो तो दे दीजिए, यही तो सवाल पूछ रही है बीजेपी। यही मैं भी कह रहा हूँ, धार्मिक आजादी का हनन हो रहा है, दुनिया भर की तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं हिंदुस्तान के बारे में, जो जहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत में धार्मिक आजादी का ऊपर अतिक्रमण हो रहा है। नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं कि सिखों को धार्मिक आजादी नहीं है इस देश में? इसीलिए कहा, चाहे वो सिख हो चाहे दीपक झा, कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि सिखों को धार्मिक आजादी नहीं है इस देश में? इस देश में सबको आजादी है, लेकिन भाजपा उस आजादी पे अतिक्रमण कर रही है। राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, हमें हमारे कहने का तात्पर्य है कि हम संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं, देश को संविधान की तरह से ले आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा एक आरएसएस के तरीके से इसको आगे बढ़ाना चाहती है, जहां पे मुसलमानों को कहते हैं गोली मार देंगे, 80-20% की बात करते हैं। आप उसमें सवाल नहीं करते जब राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी देते हैं भाजपा के नेता, वो तो आतंकवादी सबसे बड़े वो हो जाते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि भाजपा को अपने गिरेबान में सोचना चाहिए, देखना चाहिए नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से अपने आस्तीन के साथ पाले हुए हैं, चाहे वो भाजपा, चाहे वो बिट्टू हो, चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे कंगना रानावत हो, इस सारे के सारे देश विरोधी लोग हैं और कांग्रेस से जाके सारे लोग कांग्रेस के खिलाफ बातें करते हैं। इसका मतलब है कि नए नए लोग हैं भाजपा में जाके नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी भक्ति सिद्ध करना चाहते हैं, इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। इस देश को भाजपा ने तोड़ने का काम किया है, राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की उस सोच के साथ लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लेकिन भाजपा के कुछ नेता जो तथाकथित रूप से मंत्री बना दिए जाते हैं, इस तरीके से बयान देते हैं, तो सरकार को भी इस पे एक कड़ा कदम उठाना चाहिए, या कि राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई करे। चलिए ठीक है, कड़ा कदम उठाना चाहिए, ये आपकी मांग है, ये कांग्रेस की मांग है। प्रमोद स्वामी जी, वो आप सुन ही रहे लगातार दीपक झा को, ये बताइए कि धार्मिक आजादी के नाम पर सिखों को लेकर जो बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया अमेरिका में, इसमें आपको कोई सियासी मकसद भी नजर आता है क्या? नहीं देखिए, आपने प्रश्न किया और बिट्टू जी ने भी यही प्रश्न किया कि क्या भारत में सिखों को कड़ा पहनने की, पगड़ी पहनने की, गुरुद्वारा जाने की इजाजत है या नहीं है। तो हमारे जो मित्र कांग्रेस पार्टी के हैं वो सीधा जवाब नहीं दे पाए, लेकिन यहाँ हर 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 धर्म के लोगों को धार्मिक आजादी है और किसी की धार्मिक आजादी में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। अब रही बात विपक्ष के नेता के जिम्मेदार बयानों की, तो मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि जब नरसिम्हा राव जी जब देश के प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब मानव अधिकार का मुद्दा उठाया था, तो नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था और वाजपेयी जी ने जोरदार रूप से भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जनेवा में 1994 में, वहां पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। हमारे मध्य देश में हो सकते हैं राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन विदेशों में जाकर के राहुल गांधी जिस तरह से बयानबाजी करते हैं कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये भारत के लिए उचित नहीं है, भारत की जिस तरह से बदनामी वो विदेशों में जाकर के करते हैं, हमारा विरोध उस बात से है। अगर आप अगर लक्ष्मण रेखा पार करेंगे, आप भारत में मोदी जी की समालोचना करिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की समालोचना करिए, सरकार की समालोचना करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विदेशों में जाके आप धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे, लोगों को भड़काएंगे, तो उसका फायदा किसको उठेगा? उसका फायदा भारत विरोधी शक्तियां उठाएंगी, और पहले भी राहुल गांधी के बयान का पाकिस्तान ने फायदा उठा कर करके और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर राहुल गांधी के बयान को कोट कर करके। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रमोद स्वामी जी, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है मैं बाकी मेहमानों को रुक करूं, दीपक जी फिर आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने जब ये बयान दिया तो आपने भी देखा होगा SFJ सिख फॉर जस्टिस नाम का एक आतंकी संगठन, वो एक स्टेटमेंट जारी करता है और एक तरह से रजामंदी का इजहार करता है राहुल गांधी जो कह रहे हैं, तो आप किसी आतंकी संगठन को ये मौका क्यों दे रहे हैं ऐसी बातें कहकर, जिसका एक भी एग्जांपल आप खुद देने के लिए तैयार नहीं है? देखिए समीर भाई,
सारी की सारी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी भाजपा के जो ज्ञानी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी जब दुनिया भर में यात्रा करते हैं, भारत को संसार करते हैं, कहते हैं भारत में जन्म लेना कीड़े मकोड़े की तरह है, मेरा दुर्भाग्य है, पूरे देश सोचते थे हम सारा कचरा साफ करेंगे, नरेंद्र मोदी जी मतलब भारत को कचरा बताते थे नरेंद्र मोदी दुनिया भर में जाके, तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। लेकिन मुकदमा दायर कौन करेगा, हम और आप तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो सर्वे सर्वा देश के प्रधानमंत्री है, इजाजत ही नहीं देंगे राष्ट्रपति उनके ऊपर मुकदमा दायर करने का। दूसरी बात, खालिस्तानी इन्होंने पूरे देश के किसानों को बताया, किसानों के आगे वो झुक गए, तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवादियों और खालिस्तानियों के सामने झुकी, इस बात को स्पष्ट करिए। देश के अंदर संसद भवन के अंदर लोकसभा के विपक्ष के नेता को आप आतंकवादी बताते हैं, उसके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, तो क्या इस देश के अंदर आतंकवादी पाले जा रहे हैं भाजपा का इसको करती है? इसका मतलब है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ सुगुफा छोड़ना चाहती है, जिससे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ मुद्दों की बात करेंगे नहीं, काम की बात करेंगे नहीं, बस ये बताएंगे कि आप पाकिस्तानी चाल लिया है, आप देश दोस्त दो ही है, क्यों? क्योंकि आप इसे सवाल करते हैं समीर भाई। भाजपा के पास धार्मिक आजादी हनन करने का पूरा इस देश में माहौल बना रखा है, इन्होंने पूरा का पूरा धार्मिक अतिक्रमण किया, आप पिछले देख लीजिए 10 सालों में उठा लीजिए, मोबिलिंग हुए किस धर्मों के लोग कितने मारे गए हैं, बात ये नहीं है कि अक्कू जी है या दीपक जी है कोई भी, लेकिन जो भी समझदार व्यक्ति है वो पिछले 10 सालों में बता देगा कि भाजपा ने। ठीक है, इससे जवाब भी लेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार का पैनल भी है, उनसे बात करेंगे। दीपक जी अक्कू जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर एक खबर आपको बता दे, राहुल गांधी लौट आए हैं, लेकिन अमेरिका में दिए राहुल के बयानों पर कांग्रेस बीजेपी में जबरदस्त वार पलटवार हो रहा है। आपको सुनवा देते हैं, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िक का क्या रिएक्शन सामने आया है। नेशनलिस्टिक मानसिकता देखिए कैसी नेशनलिस्टिक मानसिकता है कि देश के बाहर जाकर के देश की बदनामी करते हैं, देश के अंदर वो ये दिखाना चाहते हैं कि देश में यहाँ पर किसी भी धर्म के लोगों के लिए सद्भाव नहीं है। तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए वो बाहर जाकर के क्या बोलते हैं। वैसे वो मुझे ऐसा लगता है जानबूझकर ऐसा बोलते हैं, उनको देश से कोई प्यार नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी देश का सम्मान पूरे विश्व स्तर पर बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी देश के सम्मान को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म नहीं चाहिए उस व्यक्ति को जिसको 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। बिट्टू एक बच्चा था, गुरकीरत उससे काबिल था, इसको कुछ नहीं आता था, इसके बावजूद राहुल गांधी ने इसको 3 बार एमपी बनाया और आज उस राहुल गांधी को कहता कि मैं आतंकवादी हूं। बिट्टू जी, राहुल गांधी आपके कहने से आतंकवादी नहीं बनेगा, लेकिन आपकी मानसिकता, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान के बारे में देश के लोगों को जानन हो रहा है कि कितना आसान फरामोश आदमी है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी कह रहा है। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए इस बयान के बाद वार पलटवार का सिलसिला जारी है बीजेपी और कांग्रेस में। अब आपको सुनाते हैं, जब 4 दिन पहले राहुल गांधी को उनके बयानों को लेकर बीजेपी नेता तरविंदर मारवा ने बाकायदा पब्लिकली हत्या की धमकी दे दी थी। राहुल गांधी आज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा। राहुल गांधी तो तेरे साथी का हाल है। राहुल गांधी आज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा। राहुल गांधी तो तेरे साथी का हाल है। प्रमोद स्वामी जी, आप ही की पार्टी के नेता हैं तरविंदर मारवा, बाकायदा तमाम लोगों की भीड़ में सार्वजनिक तौर पर हाथों में माइक लेकर हत्या की धमकी दे रहे हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, क्या इसका भी सपोर्ट करेंगे? मेरे को पूछ रहे हैं ना? जी बिल्कुल। तंत्र में मैं ये मानता हूं कि जो भी नेता है उनकी भाषा सीमित होनी चाहिए और व्यक्तिगत आक्रमण नहीं होने चाहिए। वाजपेयी जी ने भी कहा था कि राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए और बार कमर के नीचे नहीं होना चाहिए। ये मैं इस सिद्धांत में इस बात से सहमत हूँ, लेकिन विपक्ष के नेता की भी एक जिम्मेदारी होती है और विपक्ष का नेता अगर बाहर जाकर करके भारत में धार्मिक आपकी विपक्ष के नेता ने बाहर जाके क्या कहा, लेकिन इस नेता पर कार्रवाई क्या होगी जो खुलेआम हत्या की धमकी दे रहा है?
नहीं बिल्कुल, मैं ऐसी बातों से, ऐसे बयानों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, मैंने इस बात को स्पष्ट कहा है। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस की भूल की वजह से एक समय जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, भिंडरवाला को कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया, और उसके बाद में इंदिरा जी की हत्या हुई, और उसके बाद में सिख दंगे हुए। तो जब इतनी सेंसिटिव पोजिशन है पंजाब की और वहां आतंकवाद पनपा है, तो राहुल गांधी जैसे विपक्ष के जिम्मेदार नेता को अपने बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए कि नहीं चाहिए? जब विपक्ष का नेता गलती करेगा तो उसको देख करके कुछ और लोग भी तो है, वो गलत भी सहमत नहीं है, हमारी पार्टी भी सहमत नहीं है। ठीक है, अंकुश श्रीवास्तव जी, क्या आपको लगता है कि किसी खास पॉलिटिकल एम की वजह से जब कभी भी चुनाव आते तब जानबूझकर चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष, उनकी तरफ से ऐसी बयानबाजियां होती हैं? देखिए, ये चुनावों में होता रहा है, और लेकिन इतना बुरा हाल होगा ये हमने शायद कल्पना नहीं की थी। कि मैं तो, पहली बात तो ये कि मारवा जो भी है, ये सज्जन इनको जानता नहीं, बहुत सिग्निफिकेंट भी नहीं है मेरे ख्याल से, ये कहीं कोई विधायक तो भी नहीं है ये शायद। ऐसे आदमी के खिलाफ तो फौरन FIR दर्ज की जानी चाहिए, सरकार का काम है दर्ज करे, बीजेपी के लिए ये अच्छा होगा कि ऐसे आदमी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। लेकिन ये बात भी सही है कि विपक्ष के नेता जो संवैधानिक पद पर हैं, अगर वो अभी तक तो चल जाता था कि एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक वो है कि कुछ भी आप कह दो चल जाएगा, ओबीसी जो है देश में जन्म से नहीं होता है, कागजों पर होता है वगैरह वगैरह, ये सब पॉलिटिकल बयानबाजी होता थी, चल जाती है। लेकिन अगर आप इस तरीके की बात करेंगे, और ये उकसाने वाला बयान है बिल्कुल, जो अमेरिका में बयान उन्होंने दिया, मैं अभी तक ताज्जुब है, कोई भी कांग्रेस का साथी या कांग्रेस का समर्थक ये नहीं कहने को तैयार है कि राहुल गांधी ने जो अमेरिका में बयान दिया है वो गलत है, निंदनीय है। बिल्कुल नहीं कहा गया है, और आप कह रहे हैं कि बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। और राहुल के आरक्षण वाले बयान पर एक और बयान था, अमेरिका में ही दिया गया आरक्षण को लेकर, आरक्षण वाले बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि यह संविधान विरोधी मानसिकता है, संविधान को दिखाया नहीं पढ़ा जाना चाहिए। सुनिए, चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है। वो ही मानसिकता लड़की रिजर्वेशन की थी, आज के दिन संविधान पद पर बैठा हुआ व्यक्ति देश में कहता है रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। Constitution has to be respected. Constitution has to be read. Constitution has to be understood. Master kitab ke roop mein lekar Constitution dikhana, iski nomaish karna. At least koi bhi sabhi vyakti, jankar vyakti, sindhan ke prati samarpit bhavna rakhne wala vyakti, संविधान की आत्मा को पूजने वाला व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। राजेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वक्त हमारे पास कम है राजेश जी, लेकिन आपसे भी जानना चाहूंगा, ये जो सिखों की स्थिति को लेकर भारत के अंदर जो बयान दिया गया है अमेरिका में राहुल गांधी की तरफ से, क्या आपको लगता है कुल मिलाकर अब कांग्रेस पार्टी के लिए भी इस बयान का बचाव करना मुश्किल हो रहा है क्या? देखिए, राहुल गांधी ने अमेरिका में जो कुछ कहा उसको बचाव करना, डिफेंड करना कांग्रेस पार्टी का काम है, पत्रकारों का या मेरा काम नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा उसका विश्लेषण करना मेरा काम है। उन्होंने कहा ये कि भारत में धार्मिक आजादी खतरे में है, और वो सिर्फ सिखों की नहीं, मुसलमानों और दूसरे रिलीजन्स की भी। मुसलमानों को अगर हिजाब लगा दी जाएगी, नमाज पढ़ रहे हैं तो पुलिस वाला आके पीछे से लात मारेगा, तो आप इसमें क्या कहेंगे? क्या उनको पगड़ी पहनने दी जाएगी? ये बात कही है, बचाओ उसका कांग्रेस वाले करें, लेकिन ये स्थिति हिंदुस्तान में बनती दिख रही है। ठीक है, आपके हिसाब से ये स्थिति हिंदुस्तान में बनती हुई दिख रही है, ये अहम बात आपने कही, लेकिन हमारे पास वक्त इतना ही था इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। अक्कू जी, प्रमोद स्वामी जी, दीपक झा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए।